हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथ्री सीरीज की कॉमिक्स एनी का दूसरा और अंतिम भाग। कोका कोका आ गया, उफ, और वो अपनी लाइटर जलाने की आदत से बाज नहीं आएगा। अरे ये ताबूत यहाँ कौन रख गया? ये तो हिल रहा है, इसमें कोई है। टीपू सर, आप यहाँ? लाइटर मत जलाना बेवकूफ। और अनजाने में इसी पल कोका के हाथे में थमे लाइटर के स्विच पर उसकी उंगली कस गई और पूरे कक्ष में लपलपा उठी भयानक अग्नि। चीखें फूट पड़ी खुद कोका के भी कंठ से। टीपू बेचारा तो चीख भी ना सका अपने अंजाम पर। और उस शाम छपी होटल टीपू के किचन में लगी भयानक आग की रोमांचक खबर, जिसमें मिले थे दो इंसानों के कंकाल। इंस्पेक्टर इतिहास समाचार पत्र को जूली की आंखों के आगे उड़ाते हुए कठोर स्वर में कह रहा था, मिसेस जूली गुंसाल्वेस, लो देखो, इस बार एंथनी की आत्मा ने टीपू को सजा देने का जो तरीका चुना, उसमें कई लोगों की जान टीपू होटल में लगी आग के कारण जा सकती नहीं। अभी तक मैंने एंथनी की आत्मा को रोकने का कोई कठोर कदम इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि एक तो उसके हाथ मरने वाले वो सब लोग अपराधी थे। समझा ये गया कि एंथनी की आत्मा अब शांत होकर बैठ जाएगी, मगर अब मुझे एंथनी की आत्मा को सभ्य समाज का कानून भंग करने से रोकना ही होगा। और मिसेस जूली, एंथनी की आत्मा को किसी अंधे कुएं का कैदी बनाना ही होगा मुझे, ताकि इसी सिलसिले में मैंने एक तांत्रिक का पता भी लगा लिया है। तो आप एंथनी की आत्मा को अंधे कुएं का कैदी बनाएंगे इंस्पेक्टर इतिहास? एनी तुम? लिसन इंस्पेक्टर इतिहास, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन सब लोगों की आत्माओं को भी अंधे कुएं का कैदी बना देंगे जो ब्रिगेंसा या टीपू जैसे लोगों के जुल्मों का शिकार हुए। और ये वो लोग हैं जिन्हें आपका कानून कोई सुरक्षा नहीं दे पाता, क्योंकि कानून तब सक्रिय होता है जब जुल्म या अपराध हो चुका होता है। इसके बाद रह जाती है अपराधियों को सजा देने की लंबी प्रक्रिया या उनके जुल्मों से सकता तड़पता कोई निर्दोष। मजे की बात यह इंस्पेक्टर की अपराधी जमानत लेकर खुला घूमता है। वाह, तो मानो या ना मानो इंस्पेक्टर, एंथनी की आत्मा की जरूरत समाज को है, क्योंकि वो अपराध के साथ साथ अपराधियों को भी फौरन खत्म करती है। लेकिन इसका शिकार अगर कोई निर्दोष हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यह विश्वास कैसा है कि ब्रिगेंजो और टीपू अपराधी थे? हाँ, वो हत्यारे थे, मेरी रानी माँ के हत्यारे। क्या? हाँ, ब्रिगेंजा और टीपू उन हत्यारों में से थे जिन्होंने कब्रिस्तान में मुझे भी मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, और अभी रानी माँ का प्रमुख हत्यारा बचा हुआ है। एंथनी की आत्मा का अगला शिकार वही होगा इंस्पेक्टर इतिहास, और तुम उसे बचा नहीं पाओगे, इसलिए क्योंकि मैं उस हत्यारे का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगी। काफी समय से चुप जूली गंभीर स्वर में कह उठी, इंस्पेक्टर इतिहास, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एंथनी को अब मैं आपके सभ्य समाज में आने से रोकूंगी, और अब मुझे अपने जरिए से पता लगाना है कि एंथनी की आत्मा का अगला शिकार कौन है। एक्वेरियम, जहां तैयार किए जाते थे मध्यम वर्गीय लोगों से लेकर उच्च वर्गीय लोगों तक के लिए शानदार व भव्य एक्वेरियम। शाम 6 बजे के बाद एक्वेरियम की बिक्री बंद हो जाती थी, यानी ग्राहकों का प्रवेश बंद, मगर उस एक शख्स के वहां पर प्रवेश करने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता था। पर बिक्री समय समाप्त हो चुका है मिस्टर, मालूम है, और मुझे इसी वक्त की प्रतीक्षा थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं हत्यारे को लड़दादा को खत्म करूं तो कहा हंगामा हो। कौन हो तुम? एंथनी, और तुम कुल्लर दादा की मौत के रास्ते में आने की कोशिश मत करो। उफ, क्योंकि उसे तो आज इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मुझे कोशिश करनी होगी कि यहाँ का कोई एक्वेरियम फूटे नहीं। आज तुमको कुल्लर दादा का एक्वेरियम उसके बिना अनाथ हो जाएगा। आह, ओह! और उस शानदार शोरूम के दूसरे हिस्से यानी एक्वेरियम निर्माण विभाग में, इसमें पानी व मछलियों में खुद छोड़ूंगा, क्योंकि आज तक इतना बड़ा व शानदार एक्वेरियम कभी बना था ना कभी बनेगा। इतनी भयानक व शानदार मौत भी आज तक तूने न देखी होगी हत्यारे कुल्लड़। अरे, मैंने तेरे लिए सोची है। तुम कहीं ब्रिगेंजा और टीपी के हत्यारे तो नहीं हो? बिल्कुल हूँ हत्यारे कुल्लड़, और आज प्रिंस तुझे बताएगा तेरा भविष्य फल। ये देख कुल्लड़, तड़पती मौत लिखी है तेरे भविष्य फल में जो मैं तुझे दूंगा। तुम्हारी मुझे भी प्रतीक्षा थी। पहला इंसान देखा है जिसे मौत की प्रतीक्षा थी, और पहला इंसान देखा है जिसे कुल्लर दादा का नाम सुनकर भी मौत का भय नहीं हुआ। हा 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 हा। वो इसलिए कुल्लर दादा क्योंकि मौत सिर्फ एक बार आती है, और मैं एक बार मर चुका हूँ,
अब तो मेरा मकसद तुम जैसे शैतानों की मौत है। कुल्लर दादा के हाथों वो पांव को जकड़ने में देर न लगाई थी एंथनी ने, और तब ये क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क तुम्हें पहनाकर तुम्हारे बनाए इस एक्वेरियम में तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन मैंने कम कर दी है, और अब एक्वेरियम को पानी से लबालब भरना और एक्वेरियम की स्क्रैलिक छत को उसके स्थान पर फिक्स करना बाकी है। सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म होते ही तुझे हासिल होगी एक तड़पती मौत। उफ, एक्वेरियम की स्क्रैलिक शीट को टकरों से तोड़ना नामुमकिन है। एंथनी वापस जाने को पूरी निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ रहा था, और इधर कोल्लर दादा की उम्मीदों से कहीं पहले ही सिलेंडर में खत्म हो गई ऑक्सीजन। यम, तू ही कुछ चमत्कार कर दे। मगर यम बेचारा भला क्या कर सकता था? वार किया उस हाथ में थमी कुल्हाड़ी ने। रानी माँ की हत्या से सिर्फ एक ही आदमी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था, और वो आदमी कुल्हाड़ी है। मौत से बच गए हो, मगर ये मत समझना कि रानी माँ की हत्या के इल्जाम से भी बच जाओगे। बोलो, उसका कत्ल तुमने कैसे किया? हाँ, रानी माँ के टुकड़े करके मैंने कुत्तों को खिला दिए, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनकी दौलत का असली व कानूनी वारिस मैं ही होता। और अब मुझे करने हैं एंथनी के टुकड़े, उसके बाद मेरे हाथों मरेगा मरेगी एनी जो भाग्य से बच गई। उफ, और वहीं रुक जाओ एंथनी, वहीं रुक जाओ। हा। तुम उस कैद से कैसे बच निकल आए? हवा के तूफानी झोंके की तरह आगे बढ़ा एंथनी, और लगता है किसी की मदद मिल गई है तुझे, मगर वो मदद मिली गलत समय पर, क्योंकि अभी मैं तो यहीं पर हूं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुक जा प्रिंस, इससे मैं ही निपटूंगा। कुल्लर दादा ने एंथनी की गर्दन एक्वेरियम में घुसेड़ दी। पानी के कारण बुरी तरह विचलित हो उठा एंथनी। एंथनी के आदेश के प्रति वफादार प्रिंस तड़प उठा। मृत शरीर में बंद आत्मा बुरी तरह मचल उठी एंथनी की। हा। कुल्लर दादा को पानी में डुबोना चाहता था, और उस समय दहक गई उसकी आंखें, और पानी व कांच को चीरती हुई गोली ने चाक कर डाला कुल्लड़ का सीना। गूंज उठी थी एक चीख, जो कि कुल्लड़ की अंतिम चीख थी, और फिर कुल्लड़ की लाश ही मिली थी इंस्पेक्टर इतिहास को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एंथनी की अगली उठ मुड़ते इंसाफ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।